अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम बैक फाइनली। तो यार इतने दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसकी वजह थी कि यार ईद उल अज़हा थी, तो इसकी वजह से वीडियोस नहीं थी आ रही। बर आज से कोशिश करूँगा कि रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि यार आपको पता है कि चिप्स की शॉर्टेज भी पड़ी है, इसकी वजह से स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो इतने कोई फोन को लॉन्च नहीं करे। तो इसकी वजह से हमें जो है पाकिस्तान के टेक यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है। फिर जाके एक वीडियो को टॉपिक मिलता है, उसके ऊपर फिर एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं और फिर जाकर वीडियो प्रोसेस होती है आगे जाके। तो इसलिए वीडियोज़ नहीं थी आ रही। कोशिश करूँगा कि आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाऊं और दो वीडियोस एक दिन के अंदर मैं अपलोड करूँ, कोशिश मैं फुल करूँगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्नो पोवा 2 के बारे में। अब यार सीरियसली ये फ़ोन जो है काफ़ी एक हाइप क्रिएट कर चुका है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, क्योंकि यार टेक्नो पोवा 2 जो है काफ़ी एक तगड़ा स्मार्टफोन है गेमिंग के लिए और स्पेशली बैटरी के लिहाज से। यहाँ पर हम बात करेंगे टेक्नो पोवा 2 की स्पेसिफिकेशन के बारे में, कंफर्म के बारे में, प्राइस के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में। लॉन्च डेट तो स्मार्टफोन फिर डिले हो चुकी है। मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा टेक्नो पोवा 2 के बारे में, प्राइस के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में। आपने कहीं भी नहीं जाना, चुप करके बैठ जाओ और इस वीडियो को देखो। लेकिन उसके पहले वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जो ऑल करो ताकि मेरी वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं अपलोड करता हूँ। सो भाई लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे मैं स्मार्टफोन डिस्प्ले को लेकर। तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.9 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले। यहाँ पर आपको फुल HD की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है और नॉर्मल 60Hz का पैनल है, नो हाई रिफ्रेश रेट। बिकॉज अगर यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट को इंक्लूड करे थे तो यहाँ पर स्मार्टफोन जो प्रोसेसर होता वो काफ़ी ज़्यादा लैग भी मार लेता और आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में भी काफ़ी लैग देखने को मिलते और फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर 60Hz का नॉर्मल पैनल है और फुल HD की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, प्लस आपको कोरोनिंग लगा इसकी प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी, लेकिन कौन सी टाइप है ये अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर बात करें स्मार्टफोन मेमोरी को लेकर, तो इस स्मार्टफोन में एक यूनिट आएगा पाकिस्तान की मार्केट में जो कि वो पोर्ट करेगा 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज के साथ, EMC 5.1 की स्टोरेज टाइप है, LPDDR4 की रैम टाइप देखने को मिल जाएगी, एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स आता है और हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 7.6 के साथ आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है। प्रोसेसर जो है स्मार्टफोन में काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है, मीडियाटेक हीलियो G85 का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि हमने रिसेंटली देखा इन्फिनिक्स नोट 10S के अंदर, टेक्नो कैमन 17 के अंदर देखा और यार इन्फिनिक्स नोट 10 में भी देखा। यानी कि यार परफॉर्मेंस के मामले में तीनों ही चारों स्मार्टफोन सेम है, लेकिन बैटरी का इशू आपको कर सकता है टेक्नो पोवा 2, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। बैटरी आगे चल के बताऊँगा वो एक सरप्राइज है। तो कैमरास की बात कर लीजिए, बैक पे 4 कैमरे हैं, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, मेन कैमरा 48 MP का देखने को मिलता है, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर, AI रेलू कट्टा सेंसर, 4th लेंस है। तीनों कैमरे का कोई काम तो होता नहीं है, वो सॉफ्टवेयर के जरिए काम कर रहे होते हैं, बस मेन कैमरा ही यहाँ पर वर्किंग के अंदर होता है जो कि 48 MP का है और ये भी 12 MP का सेंसर होता है, पिक्सल बिनिंग के ऊपर काम करता है और यहाँ पर आपको फोटोग्राफी भी ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी। हमने देखा था 8 महीने पहले टेक्नो पोवा आया था, उसमें 13 MP का बैक पे कैमरा था, उसके कैमरे इतने कोई अच्छे नहीं थे, बट यहाँ पर आपको कैमरास भी ठीक ठाक ही देखने को मिलेंगे। बैटरी कैपेसिटी की बात करें जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बैटरा 7000 mAh का भरा बैटरा देखने को मिलता है, 18W का फास्ट चार्जर है, टाइप सी की कनेक्टिविटी है, 3.5W जैक, प्लस यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। ये थी सारी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन ऑफ टेक्नो पोवा 2। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो यार देखो, लास्ट ईयर टेक्नो पोवा जो आया था पाकिस्तान की मार्केट में उसकी जो प्राइस थी 24,000 ऑफिशियल प्राइस थी, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट 22,500 में आराम से देखने को मिल जाता है, क्योंकि टेक्नो और इन्फिनिक्स की डिवाइस पे हमें खुलेआम डिस्काउंट देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर जो है टेक्नो इन्फिनिक्स शॉपकीपर्स काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देते हैं, तो इसकी वजह से हमें खुलेआम डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में टेक्नो पोवा 2 भी पाकिस्तान की मार्केट में आएगा, अराउंड 125,000 की स्मार्टफोन डिप्लॉय किया जाएगा पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की। तो पिछली वीडियो के मैंने आपको बताया था कि ये स्मार्टफोन अगस्त के महीने में पाकिस्तान की मार्केट में आ जाएगा, बर अभी यहाँ पर टेक्नो ने ये बताया है, तलार व्यूज यूट्यूब चैनल ने मैंने फिर बताया है, तो यहाँ पर उन्होंने भी कहा है कि भाई ये स्मार्टफोन हमें सितंबर के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है, वैसे ये सोर्स ही निकला है, तो मैंने आपको बात बता दी है कि ये स्मार्टफोन जो है पाकिस्तान की मार्केट में सितंबर के फर्स्ट 2 वीक्स में आ सकता है। अगस्त का महीना अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अभी तक जुलाई ही चल रहा है, जुलाई ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, इसके बाद अगस्त शुरू होगा, उसके बाद सितंबर आएगा। सितंबर के महीने में टेक्नो पोवा 2 हो सकता है कि पाकिस्तान की मार्केट में आ जाए,
मेरा नहीं ख्याल अभी यहाँ पर टेक्नो पावर 2 को इतना डिले करना चाहिए, फिर इसकी जो हाइप होगी वो ख़त्म हो जाएगी और फिर टेक्नो वालों ने रोना बैठ के। बहरहाल मेरे ख्याल से टेक्नो पावर 2 जो है पाकिस्तान की मार्केट में सितंबर के फर्स्ट 2 वीक्स में देखने को मिल सकता है। सारी बातें बता दी, स्पेसिफिकेशन बता दी, प्राइस बता दी, लॉन्च डेट बता दी। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ और आप उनको देख के फायदा कर सकें। तो मैं देखूंगा आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।